हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए फिर मैं आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन को लेके हाजिर हो चुका हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने है, ये जीटीसीई के रिगार्डिंग है नोटिफिकेशन, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के ओर से निकाला गया है। आज इसे हम देखने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन हम देखते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, रेलवे भर्ती सेल, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर आपका ये है। नोटिफिकेशन जो नंबर होता है और डेट देख लीजिए, 10/9/2024 का है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन की डेट ये है। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको जो फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने का जो आपको ओपनिंग डेट दिया गया है वो 16/9/2024 दिया गया है। क्लोजिंग डेट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका दिया हुआ 15/10/2024 से 23:59 तक, आप लोग समझ सकते हैं, रात के 11:59 तक होगा। और रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सिकंदराबाद इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, अब ध्यान दीजिए, और एक्सक्लूडिंग RPF RPSF एम्प्लॉय। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय है रेलवे के, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में कार्यरत है, किसी भी डिवीज़न में कार्यरत है, तो उनके लिए है, तो वो फिल कर सकते हैं एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। और फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट अगेन GDC कोटा एज पर वैकेंसीज इंडिकेटेड हेयर, तो यहाँ इंडिकेट किया गया है और बोला गया है कि फॉलोइंग जो डिटेल है, जो पोस्ट निकाली गई है, उस पर आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगर फॉर्म की चर्चा करें तो आइए देखिए फॉर्म में कितनी वैकेंसी है। देखिए, सबसे अच्छी सीटों की चर्चा अगर हम करें तो देखिए, सबसे अच्छी पोस्ट होती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में है, ज़्यादा व्यस्तता नहीं होती, बस हार्ड वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं उतना ज़्यादा। और लेवल की अगर हम चर्चा करें तो लेवल 7 की जॉब है और देख लीजिए, और ये जनरल की सीट दी गई है, 4 सीट है टोटल। और ये जो PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए बताया गया है। दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है चीफ़ लॉ असिस्टेंट के लिए है, जो जिनके पास लॉ की डिग्री है, लेवल 7 की जॉब है, और ये PWD कैंडिडेट की डिटेल वगैरह है। इसमें देखिए जनरल की एक सीट दी गई है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये सीट सबसे अच्छी है, ऑफिशियल जॉब है, जो मतलब चाहते हैं कि हम ऑफिस में बैठें और कंप्यूटर वर्क करें, तो उनके लिए अच्छा है। अकाउंटिंग सेक्शन की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। तो आप देख सकते हैं जनरल की 3 सीट है, SC की 1 सीट है और OBC की 2 सीटें हैं। और इसमें देख लीजिए सुटेबिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या दी गई है। और देखिए, जूनियर स्टोनोग्राफर इंग्लिश के लिए, ये पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई, लेवल 4 की जॉब है। और इसमें अगर चर्चा करें तो सीटों की अगर देखें तो सीट देखिए, जनरल में 4 है, ST में 1 है, OBC में 1 है, टोटल 6 सीट दी गई है। और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, ये वही दिया गया है, इसमें देखिए जनरल में 1 सीट दी गई है। तो और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट जो आपका है ACC मतलब अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो है अकाउंट सेक्शन के लिए। देखिए, 2 जो पोस्ट निकाली गई है अकाउंट सेक्शन के लिए निकाली गई, तो आप देख सकते हैं ये लेवल 2 की है, लेवल इन दोनों में थोड़ा लेवल का अंतर हो जाता है। और ये PWD कैंडिडेट के लिए है। और अगर हम देखिए सीटों की चर्चा करें तो देखिए, 4 सीट जनरल के लिए, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, टोटल 8 सीट है। और ग्रांड टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 26 सीटें आई है, इस बार निकाली गई है GDC के माध्यम से। तो आप लोग जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एज लिमिट की अगर चर्चा करें तो देखिए, जो क्राइटेरिया है वो बताया गया है, एज क्राइटेरिया देख लीजिए, इसमें दिया गया 1/1/1983 जनरल का, OBC का 1/1/1980 और ST का 1/1/1978 होना अपर एज लिमिट इतना। और एज ग्रुप की अगर चर्चा करें तो 42 साल तक, ये 45 साल तक और ये 47 साल तक मान्य होंगे। अपर एज लिमिट फॉर PWD कैंडिडेट, तो जैसे आपको पता होगा PWD कैंडिडेट के लिए भी थोड़ी छूट दी जाती है। तो अगर जिनका है 1/1/1973 से जनरल वालों के लिए, और OBC के लिए देखिए 1/1/1970 से, और ST/SC के लिए 1/1/1968 से। अगर एज ग्रुप की बात करें PWD कैंडिडेट के लिए तो 52 साल यहाँ दी गई जनरल के लिए, OBC के लिए 55 साल और ST/SC के लिए 57 ईयर दी गई है। और ये एज ऑफ प्रूफ वगैरह है, आप देख सकते हैं कि 10वीं की मार्कशीट वगैरह से आपकी एज वगैरह कैलकुलेट की जाती है। और देख लीजिए इसमें जो मेडिकल क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट, तो आप पता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होता है
तो वो बहुत ही अच्छी सर्विस है मेडिकल लाइन में। C1 इनका जो मेडिकल वगैरह है वो होगा, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम आ स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो ये नर्सिंग से संबंधित बताया गया कि 3 साल का आपका जो है वो कोर्स होना चाहिए, और आप लोग देख लेंगे डिटेल। और अगर हम और चर्चा कर ले तो नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हैज़ ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेसस फॉर द अबव कोर्स। तो जो आपका कोर्स बताया गया उसके अंतर्गत आपका होना चाहिए ग्रेड वगैरह, ये देखिए बी ग्रेड नर्सिंग के लिए, और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए मेडिकल C1 है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऐसा प्लेडर एट बार। तो ये बताया गया कि 3 साल के लिए आपका मतलब जो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस है तो आप फिल कर सकते हैं, और आपका जो डिग्री है यूनिवर्सिटी से वो होना चाहिए। जूनियर अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए तो आपको इंग्लिश और ये कंप्यूटर 30 वर्ड पर मिनट जो इंग्लिश मांगा जाता है, टाइपिंग मांगा गया है वो बोला, और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो जो डिग्री आपके पास होगा वो लगा सकते हैं आप। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और स्पीड टाइम वगैरह दिया 80 वर्ड पर मिनट फॉर ड्यूरेशन 10 मिनट। तो इस प्रकार से बताया गया है, ट्रांजेक्शन टाइम 50 मिनट, इस तरीके से ये बताया गया है कि आपको इतने इतने मिनट में इतना टाइपिंग वगैरह मांगा है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देखिए 10+2 इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और द शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट विथ ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ 50 मिनट्स। तो ये बताया गया है आपका 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 12th होना चाहिए और इक्विवेलेंट, और 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट 50% मार्क इन इज नॉट बी स्टेटेड अपॉन अ केस ऑफ STSC के लिए 50 मार्क्स जो 50% मार्क्स है वो लागू नहीं होगा, ये बताया गया है यहाँ पे दिया गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु पास क्वालिफिकेशन हायर देन 12th+2 स्टेज टाइपिंग प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर एसेंशियल। तो ये 30 वर्ड पर मिनट के लिए बोल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर कुछ चर्चा की जाए तो देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में देख लीजिए, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह की पूरी डिटेल दी गई है, जिस जो फिल करेंगे फॉर्म वो आप देख सकते हैं, और ये इनका सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, तो देख लीजिए। प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी से 70 क्वेश्चन हैं और 70 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, और आपका ये GK अर्थमेटिक है, जनरल अर्थमेटिक है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वगैरह 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल साइंस है, साइंस तो आपके पता ही है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये सिलेबस वगैरह है एनाटॉमी, साइक्लोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो आप नर्सिंग वगैरह करते हैं तो उससे रिगार्डिंग है, और ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल अर्थमेटिक है, ये देखिए डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो ओपन मार्केट की भर्ती होती है उसी प्रकार है, और ये आपका रीजनिंग वगैरह का जो है ये रीजनिंग है, और ये साइंस वगैरह के लिए है। और देख लीजिए ये चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए है, इसमें देख लीजिए एबिलिटी जो हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, यही समझ लीजिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, 15 जनरल अवेयरनेस के लिए है, रीजनिंग के लिए 15 है, और मैथ्स के 10 हैं, और जनरल साइंस के 10 है, इस प्रकार से इन्होंने 100 क्वेश्चन पुराए, परंतु क्या है इसमें देखिए जो आपका ये ट्रेड है तो ये थोड़ा 50 नंबर का दिया है, तो अच्छा खासा जिनका ये चीज़ थोड़ा ठीक होगा तो वो नंबर खींच सकते हैं उस हिसाब से। और ये डिटेल वगैरह बताई गई है, ये देखिए अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये डिटेल है आप देख सकते हैं। और ये है द क्वेश्चन, प्रिटेंडिंग फॉर प्रोविजनल एबिलिटी सेल वी फ्रॉम स्लोवस सिलेबस मेंटेड बिलो। तो ये जो सिलेबस दिया गया है, मेंशन किया गया है, उस हिसाब से आपको वो बताया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ये आप लोग देख लेंगे। और देख लीजिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए बताया गया है, ये असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसमें 90 आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिनट 90 मिनट मिलेगा, जनरल अवेयरनेस 40 होगी, मैथ्स 30 होगी, और रीजनिंग वगैरह 30 होगी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार से आपको अच्छा खासा समय मिल जा रहा है, 90 मिनट मिलेंगे, तो आप फॉर्म
फेल कीजिए और बाकायदा एग्ज़ाम दीजिए। और ये देख लीजिए, ये जो आपका स्टेनोग्राफर है उसके रिगार्डिंग है, जनरल अवेयरनेस होंगे 50 क्वेश्चन 1 to 50, टोटल मार्क्स 100 नंबर के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज होगी 50 से 100 तक होगा, मतलब 100 क्वेश्चन आपको देना है और ये 100 ये टोटल मार्क्स आपको बताया गया है, 100 नंबर 90 मिनट का आपका होगा ये बताया गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है पार्ट वन और ये पार्ट टू वगैरह बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बताया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, आप लोग समझदार हैं पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। और अगर इसमें और देख लें, हाउ टू अप्लाई वगैरह बताया गया है डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, ये देखिए हाउ टू अप्लाई वगैरह बताया गया है, कैसे कैसे आपको फिल करना है। और आपको ये पता है क्या करना है, इसमें लास्ट में आपका ये है जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसी में अटेस्टेड है, तो आपको क्या करना है ये भी फिल करना है और भरना वगैरह पड़ेगा। और देख लीजिए, ये आपका ओबीसी वालों के लिए है, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, फॉर्मेट हालांकि डिपार्टमेंटल में दे ही देता है लास्ट में भरने के लिए। और ये आप लोग डिक्लेरेशन वगैरह है तो वो आप फिल करेंगे, देख लीजिए अपने हिसाब से। और ये है आपका सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन, तो ये उससे रिगार्डिंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये लास्ट पेज था, ये फॉरम 7 है, अनेक्सर ई है, तो ये सब आपकी डिटेल वगैरह है, आपको फिल करना पड़ेगा और फिर भरना पड़ेगा। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।